हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज की हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान के T20 सीरीज के शेड्यूल के बारे में, मेन्यूज के बारे में, टाइमिंग के बारे में, स्क्वाड्स के बारे में, और जो आखिर में आप सबके दिमाग में हमेशा सवाल उठता है वो है लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि T20 के बाद टेस्ट सीरीज भी खेली जाने वाली है। नहीं, पहले मैं आपको इसमें T20 सीरीज के बारे में बताऊंगा, टेस्ट सीरीज के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जिम्बाब्वे की अभी स्क्वाड रेडी नहीं हुई टेस्ट सीरीज के लिए। T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे की स्क्वाड तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में बात कर लेते हैं शेड्यूल के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करें पहले T20 के बारे में, तो पहले T20 शुरू होगा 21 अप्रैल से। वही बात करें दूसरे T20 की, तो दूसरे T20 शुरू होगा 30 अप्रैल से। वही बात करें तीसरे T20 की, तो तीसरा T20 शुरू होगा 25 अप्रैल से। तो ये तो बात कर ली है हमने शेड्यूल के बारे में, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं वेन्यूज के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के सीरीज खेली जानी है वो खेली जानी है जिम्बाब्वे में, जो जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाने हैं, जो कि हरारे में है और ये एक स्टेडियम है। तो दोस्तों ये तो बात कर ली है हमने वेन्यूज के बारे में, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइमिंग के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये तीनों के तीनों मैचेस एक ही समय पे खेले जाने वाले हैं, और वो समय है 2:30 बजे इंडिया स्टर्न टाइम में, यानी ये इंडिया में 2:30 बजे ये मैचेस शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो बात कर ली है हमने टाइमिंग के बारे में, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं स्क्वाड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे के स्क्वाड्स के बारे में। तो जिम्बाब्वे के स्क्वाड में है विलियम सीन, जो कि कैप्टनसी करते हुए भी नजर आएंगे। दूसरे नंबर पे ब्रूनियन, तीसरे पे चकापा नकीर, चौथे नंबर पे जीवन का तानाका, पाँचवें नंबर पे है एल्विन क्रेग, छठे नंबर पे चोंगविन लुके, सातवें नंबर पे है नम युकन वे, तीन आशित, आठवें नंबर पे मार्टिन लेविसले, नौवें नंबर पे मालूमानी तड़ी मान से, दसवें नंबर पे मुसाकुंडा वेलिंगटन, ग्यारहवें नंबर पे मुसा टूसा टपीवा, बारहवें नंबर पे मुनासा पानी बैसिंग, तेरहवें नंबर पे नकारपा टीचर्ट, चौथवें नंबर पे टेलर पेंडन, पाँचवें नंबर पे टिली पानू टोलहाट। तो ये तो बात कर ली है हमने जिम्बाब्वे के 15 मेंबर स्क्वाड के बारे में, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड के बारे में। तो दोस्तों पाकिस्तान की स्क्वाड में है बाबर असम, जो कि कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे। दूसरे नंबर पे शताब खान, तीसरे नंबर पे सजीर खान, चौथे नंबर पे मोहम्मद हाफिज, पाँचवें नंबर पे हैदर अली, छठे नंबर पे तनीश आशीष, सातवें नंबर पे आसिफ अली, आठवें नंबर पे मोहम्मद नवाज, नौवें नंबर पे फहीम अशरफ, दसवें नंबर पे मोहम्मद इरफान, जो कि विकेट की बिंग करते हुए भी नजर आ सकते हैं, और ग्यारहवें नंबर पे सफाज अहमद भी विकेट कीपर है। बारहवें नंबर पे शाहिन शाह अफरीदी, तेरहवें नंबर पे मोहम्मद वसीम जे आर, चौथवें नंबर पे हारिस, पंद्रहवें नंबर पे मोहम्मद हसनैन, सोलहवें नंबर पे उस्मान कातिल, सत्रह नंबर पे है हसन अली, और अठारह नंबर पे है अरशद इकबाल। तो ये तो बात कर ली हमने पाकिस्तान के 18 मेंबर स्क्वाड के बारे में। हमने दोनों टीमों के स्क्वाड के बारे में बात कर चुके हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मैच सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क टेलीकास्ट करने वाला है। तो दोस्तों
उस दिन तो मैं जिसाई के सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क में एक आई गया बांग्लादेश वर्स श्रीलंका का और दूसरा ये वाला। तो दोस्तों ये तो नहीं पता एकदम अच्छी खबर से कि ये कौन कौन से चैनल पे आएगा, लेकिन इतना जरूर बताए कि ये सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क टेलीकास्ट करेगा। तो आप चैनल पर रहते जाना, आपको ये मैच देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर वही बात करते हैं मोबाइल की, तो जिस सोनी लीव टेलीकास्ट करने वाला है, यानी आप मोबाइल में सोनी लीव ऐप को डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सी टीम जीतेगी ये सीरीज़?